दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ मास के बाद श्रावण मास आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सभी माह में सावन भगवान शिव का अति प्रिय माह होता है। इस दौरान शिव जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत ध्यान करने से व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी हो जाती है, वहीं विवाहित जातकों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और साथ ही घर में मंगल का आगमन होता है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। इस महीने में देवों के देव महादेव संग माँ पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है और सावन सोमवार का व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सावन में लोग भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं और शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। संकटों से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक भी करते हैं और पवित्र नदियों का जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। हर शिव भक्त वो हर प्रयास और उपाय करते हैं कि उनके प्रभु शिव शंकर प्रसन्न हो जाएं और उनके मन की मुराद पूरी कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में शिव पूजा कैसे करें, शिवलिंग पर जल अर्पित कैसे करें और सावन में कांवड़ का महत्व। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले सावन में शिव पूजा कैसे करें? दोस्तों, शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, भांग, इत्र, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर, गंगाजल, शहद, दही, घी, गन्ना और फूल बेहद पसंद है। इसके अलावा शिव जी को आग का लाल सफेद फूल भी बेहद प्रिय है। ऐसे में महादेव की कृपा पाने के लिए सावन में ये चीजें जरूर चढ़ाएं। सावन के महीने में हर सुबह उठ जाएं, स्नान आदि से नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद साफ कपड़े पहने, आसपास स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करते हुए शिवलिंग पर गंगाजल और दूध से अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल और दूध अवश्य शामिल करें। बेलपत्र फूल प्रसाद अर्पित करें और चंदन अक्षत का तिलक लगाएं। शिव जी के जलाभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के अंत में अपनी सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनकी आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ओम शिवाय नमस्तुम। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग चढ़ाने पर साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूलकर कर भी गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार ये भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है और शिवलिंग में सबसे सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं कांवड़ के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों को सावन महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अपने भक्त की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। आइए जानते हैं कि कांवड़ का महत्व और नियम क्या है।
मान्यताएं हैं कि सबसे पहले श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना में थे, तब उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बैठाया और हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया था। वहां से वह अपने साथ गंगाजल भी लाए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। कांवड़ मुख्यतः चार प्रकार की होती है और हर कांवड़ के अपने नियम और महत्व होते हैं। इनमें है सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, दांडी कांवड़। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कांवड़ लेकर जाता है उसी हिसाब से वह तैयारी की जाती है। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान भक्तों को पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कांवड़ को जमीन पर नहीं बल्कि किसी पेड़ पर लटकाना होता है। अगर आप कांवड़ को जमीन पर रखते हैं तो आपको दोबारा से गंगा जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को नंगे पांव चलना होता है। स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता है। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा की रस्म का अपना एक अलग महत्व है। इस पूजा पद्धति का अभ्यास करके कांवड़िये आध्यात्मिक अवकाश लेते हैं और धार्मिक भजन गाकर अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। इसे तनावपूर्ण और नकारात्मक स्थितियों से दूर होने और यात्रा के दौरान प्रेरणादायक विचार प्राप्त करने के लिए एक प्रकार के मनोरंजन के रूप में लिया जाता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि एक मन तभी रचनात्मक हो सकता है जब वो शांत हो। गंगा नदी से पवित्र जल एकत्र करना रचनात्मक और सकारात्मक विचारों को इकट्ठा करने का प्रतीक है, जिसे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर वापस ले जाया जाता है। ये भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने से कांवड़ियों को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है और साथ ही घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।